राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था और इंस्टाग्राम चेक करते करते मुझे सुनीता राजवार जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हिंदी फिल्म सिनेमा में। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ करी हैं, बढ़िया बड़ी वेब सीरीज़ करी हैं, कई कमर्शियल एड में भी आपने उन्होंने देखा है। दोस्तों, मैंने जब उनको उनकी एक पोस्ट देखी, एक वीडियो देखा, वो पोस्ट और वीडियो था 14 जून 2022 का। जी हाँ, 14 जून 2022 सुशांत सिंह की दूसरी बरसी। सुशांत सिंह की दूसरी बरसी पर उन्होंने एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा सुशांत सिंह को याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह के साथ केदारनाथ मूवी में काम किया है। आपने देखी होगी केदारनाथ मूवी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने केदारनाथ मूवी नहीं देखी होगी, जिसने ये वाला गाना ना सुना होगा। दोस्तों, ओपनिंग सीन में ही सुशांत सिंह के साथ सुनीता जी थी और पहले ही सीन में सुशांत सिंह उन्हें अपनी पीठ पर लाद के केदारनाथ जी के दर्शन कराते हैं, जय बाबा महाकाल। उन्होंने बहुत ही भावुक पोस्ट सुशांत सिंह की दूसरी बरसी पर लिखी। आइए मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ। सुनीता जी लिखती हैं, कुछ यादें हमेशा साथ रहती हैं। ओ दद्दो, आज भी ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने मुझे कभी नाम से नहीं बुलाया, जब भी कुछ कहना होता तो ओ दद्दो से शुरुआत करता। उसके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहती और हाथों में कोई ना कोई किताब या फिर कानों में हेडफोन। आपने गाना सुना, उसने किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होके अपना हेडफोन मुझे थमाते हुए कहा। अक्टूबर 2017 केदारनाथ की शूटिंग के दौरान पहली बार सुशांत से मुलाकात हुई। मुझे लगा कि वो भी वही स्टार होगा जिसकी चमक भर से डॉलिक सीन यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी बदल जाया करती हैं, लेकिन वो तो छत से हाथ बढ़ाकर तारे तोड़ने वाला जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे की तरह था। आप NSD से हैं? NSD में क्या होता है, कैसे होता है? मैं NSD के कलाकारों की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे आज भी याद है केदारनाथ, जब केदारनाथ फिल्म के दौरान ओपनिंग सीन में उसे मुझे पीठ पर लाद कर मंदिर चढ़ाई करनी होती थी। इतना तो मैं कर ही लूँगा, ये कहकर वो अपनी लंबी सांस भरता और मुझे उठा लेता। शॉर्ट क्लॉज शॉर्ट हो या वाइड, एक टेक हो या दो या फिर 10, सुशांत ने मेरे जैसे वजन को पीठ पर लादने के लिए कभी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। वो मेरा बोझ से और मैं शर्मिंदगी के बोझ से दबी। उसे अक्सर बदले में एक एनर्जी बार देती थी जिस पर वो कहता था, थैंक यू दद्दो, मुझे इसी की जरूरत है। सुशांत ने बताया किस तरह वो धीरे धीरे डांसर से एक्टर बना और आज अपने ही बॉय को ऑर्डर देने में संकोच करता है। वो कहता है ये खुद हीरो लगता है। पता चला एक दिन इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सुशांत का मानना था कि कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो ठान ले तो। उसे किताबों का शौक था। मुंबई फिल्म सिटी में पैच वर्क के ख़त्म होने के बाद मैंने उसे कुछ से किताबें भी गिफ्ट की थी। एक दिन सुशांत ने मुझसे कहा, मैं डायरेक्शन करूँगा, मेरा मेन एम तो डायरेक्शन ही है। लेकिन तब पता नहीं था कि जब वो अपनी ज़िंदगी की ये फिल्म डायरेक्ट करेगा तो उसकी कहानी का अंत कुछ ऐसा होगा। आज अचानक वो गाना जहन में बढ़ने लगा जो सुशांत ने उस दिन केदारनाथ में अपने हेडफोन से मुझे सुनाया था, और आंखों के आगे फिर एक बार वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया जो कह रहा था, दद्दो, कोई कुछ भी कर सकता है अगर ठान ले तो। 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी। अरे क्यों दिखा रही है? ये जगह आना रहेगी तेरी आस्था।
का मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जयते लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जयते लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव हे महेश्वरा, रुद्र देव हे महेश्वरा। क्या बात है।